ये क्या है? ये तो रेलवे का टिकट लेने वाला फॉर्म है। बड़ी अजीब चीज मिल गई यार मुझे। चलो देखते हैं क्या कैसे होगा इसमें भरने का। भाई आज मुझे मिल चुका है उत्तरी रेलवे का, ये है नॉर्दर्न रेलवे का टिकट लेने वाला फॉर्म, जिससे आप इसको भर के कहीं भी खिड़की से आप टिकट ले सकते हैं रेलवे के काउंटर पर। तो आज हम इसे आपको बताने हैं, इस ब्लॉग वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है और इसे कैसे टिकट लिया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे ये फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए आपको सिखाते हैं हम इस फॉर्म को भरना। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा आप सभी को एक वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई लोग। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो अब हम आपको बताने वाले हैं इस फॉर्म को भरना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये नॉर्दर्न रेलवे इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है और आप इधर देख पा रहे हैं उत्तर रेलवे इधर हिंदी में लिखा हुआ है, जो कि आपको दिख ही जा रहा होगा इसमें। तो इसमें इधर हिंदी में लिखा गया है और इस साइड इंग्लिश में। तो बहुत से लोग हिंदी में जानते हैं, हिंदी में भरना तो आसान है। तो चलिए हम आपको भरते हैं, सिखाते हैं इंग्लिश में। तो आप इंग्लिश जान गए, हिंदी बड़ी आसानी से जान जाओगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसे भरना, इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है। तो भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको सबको छोड़ देना है। रिजर्वेशन कैंसलेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, ये रिजर्वेशन होता है और कैंसलेशन के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, जिससे आप ट्रेन का टिकट लिए उसे कैंसिल भी करा सकते हैं इस फॉर्म में भर के, और इसी फॉर्म से आप रिजर्वेशन का टिकट भी ले सकते हैं। तो आप सबको ये सब छोड़ देना होगा। अगर आप डॉक्टर से ले कर कुछ भी, जैसे विधायक से लेके अगर कुछ भी नहीं है तो आपको उसे छोड़ देना होगा। तो आपको यहाँ पे भरना होगा ट्रेन नंबर। आपको सबसे पहले ट्रेन नंबर, जैसे 5 अंक का ट्रेन नंबर होता है, जो भी होता होगा 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 अंक का ट्रेन नंबर कोई भी होता है, जो ट्रेन होगी उसका आपको नंबर भरना होगा, या तो आपको उसका नेम भरना होगा, जो ट्रेन का नेम होगा उसमें से कोई एक आपको भरना होगा, और जिस दिन जाना हो आपको उसको लिखना होगा। जैसे आज की कोई ट्रेन है, आज है 5 तारीख, जो भी ट्रेन होगी 5/12/2022, आपको इसको भरना है डेट ऑफ जर्नी। और क्लास आपको क्या चाहिए, आपको एसी चाहिए कि स्लीपर चाहिए। ये तो देखिए जनरल के ये टिकट है नहीं, जनरल वालों के लिए। तो इसमें स्लीपर एसी, थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी, ये सब मिलता है। तो आपको लिखना होगा स्लीपर लेना है तो स्लीपर लिखिए, और सीटों की संख्या लिखिए जितनी आपको लेनी हो। तो अगर आपको एक लेनी है तो एक लिखिए, नहीं तो दो, जितना सीट चाहिए आपको उतना लिखिए। कहाँ से चलना है, जहाँ से आपको चलना हो, हमारा पड़ता है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, मैं सुल्तानपुर से चढ़ूँगा कहाँ के लिए, दिल्ली, दिल्ली के लिए। जो भी ट्रेन हो आप ट्रेन नंबर जानते रहिएगा तभी आप भर पाएंगे टिकट, वरना नहीं। तो आप यहाँ सुल्तानपुर से दिल्ली के लिए चलेंगे, और ये बोर्डिंग एड जहाँ से गाड़ी चलती है बोर्डिंग होके, वो भी सुल्तानपुर से चलेगी, सद्भावना है तो सुल्तानपुर चलेगी और यहाँ दिल्ली तक जाएगी। तो आपको दोनों में इसी में डैश डैश ऐसे करके छोड़ देना होगा, और आपको मोबाइल नंबर, जो आपको मोबाइल नंबर हो उसको डालना होगा। जैसे मेरा है कोई, जैसे ये हुआ 94 12 18 16 22, ये जैसे 10 अंक का मोबाइल नंबर, तो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे अपना। अगर आपको कोई भी, जैसे ये सब चीज़ होती हैं, सब चीज़ें ये PNR से रिक्वेस्ट हर चीज़ इसमें भेजती रहती हैं आपके मोबाइल नंबर पर। पेमेंट मोड आपका क्या रहेगा, ऑनलाइन या कैश, तो आपको CASH आपको कैश लिख देना होगा। आप हाथ से पेट कर रहे हैं तो आपको कैश लिखना होगा। और उसके बाद आपका ये आ जाता है, ये वाला कॉलम जो आप बड़ा सा देख पा रहे हैं, ये आपका इसमें पहला रहेगा नेम इन ब्लॉक लेटर, तो मोर देन 15 लेटर तक। तो जैसे मेरा नाम है अर्पित पांडे, अर्पित पांडे, मैंने इसको फिलअप किया। नेशनलिटी क्या है हमारी, इंडियन, INDIAN छोड़ दीजिए। हम क्या हैं, मेल है फीमेल, तो आप लिखेंगे मेल। एज क्या है, 18, तो इसमें आपको ये छोड़ देना होगा। चॉइस ऑफ बर्थ, जो आप लोअर लेंगे अपर लेंगे तो आपको जो भी मिल जाए वही ले लेंगे आप। आप खाना क्या खाते हैं, वेज नॉन वेज, तो आप वेज लगा दीजिए, लेना होगा तो लेना, नहीं तो नहीं। उसके बाद आ जाता है आपको कोई आपके साथ छोटा बच्चा, कोई भी चिल्ड्रेन हो 5 साल से नीचे, मतलब यहाँ देखिए लिखा रहता है इन केस बर्थ नॉट रिक्वायर्ड टू चिल्ड्रेन ऑफ एज 5 ईयर टू अंडर 12, अगर 12 के मतलब जैसे कि 5 साल के नीचे होता है तो आपको उस बच्चे का टिकट नहीं लगता, और 12 साल का है तो उससे नीचे के लिए आपको हाफ ऑफ टिकट बनाने के लिए आपको पैसा यहाँ पे पेड करना होता है। और ये होता है आपको ऑनवर्ड रिटर्न जर्नी डिटेल, तो आपका ये रिटर्न टिकट होता है, रिटर्न टिकट लेने के लिए आप इसको भर सकते हैं। और वैसे केस में तो आप ये सब रिटर्न के बाद में ये देखिए आपका एड्रेस मांगा जाता है, आप इसमें अपना एड्रेस भरेंगे, फुल एड्रेस में
आप अपना एड्रेस, जो भी एड्रेस होगा आप अपना एड्रेस भरेंगे, और ये नेम ऑफ एप्लीकेंट तो अपना जो भी इसका आवेदन क्रमांक का नाम होगा तो अपना नाम यहाँ पे भरेंगे अर्पित पांडे, जो भी आपका नाम होगा आप उसको भरेंगे। और आधार नंबर जो होगा, जैसे 4 3 12 अंक का आधार नंबर होता है, जैसे 1 2 1 4 3 2 4 1 5 7 4 3 2 1, जिसका आधार नंबर होगा ऐसे आधार नंबर अपना भरेगा। और डेट, जिस दिन आज ले रहा है टिकट तो अपनी डेट डालेगा, और टाइम जो भी होगा वो डाल देगा, और यहाँ पे अपनी सिग्नेचर कर देगा, ये हो जाएगा उसका ये। और जो कभी कैंसिल कराना होता है, ये सब चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना होता है कैंसिल, आपको लिख देना होता है अगर कैंसिल कराना होता, तो नहीं तो इसको कुछ नहीं लिखना। ये सब अपना ऑफिशियल यूज के लिए होता है, जो सर इसमें काम करेंगे वो सब लोग इसको भरेंगे। तो बस फॉर्म आप ऐसे ही भर देंगे और अपना टिकट आप ले सकते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आप टिकट पा जाएंगे और मस्ती से जाइए अपना घूमिए टहलिए। तो आज हमने आपको इस फॉर्म को भरना सिखा दिया, जिससे आप कहीं भी ट्रेन का टिकट अपने काउंटर पे जाके ले सकते हैं, नज़दीकी काउंटर पे जो कि रेलवे पे होता है, तो आप वहाँ पे जाके टिकट ले सकते हैं। अगर आपको ब्लॉग वीडियो से, अगर कोई भी ब्लॉग वीडियो आपके किसी की भी और हमारी भी, अगर आप ब्लॉग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट मिलकर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, बाय बाय।